से मिलाएंगे नींबू। डब्बा खुलेगा आपके फिर बॉक्स। घर का सारा हालत जो है थोड़ा सा उठपटंग चल रहा है, टाइम स्केड्यूल भी थोड़ा बिगड़ सा गया है। आई होप फेब्रुअरी अच्छा रहे और मैं ज्यादा से ज्यादा काम कर सकूं। अभी भैया भी इतना दिन यहाँ पे था, वो भी अपने वर्क प्लेस में वापस चला गया है। अभी फिर से बैक टू नॉर्मल जैसा हो रहा है, टचुट। और तो मैंने सोचा कि अभी जो है लॉन्ग फॉर्म मैं नहीं बोलूंगी, जितने बार बोलती हूँ मैं ला नहीं पाती उतनी फ्रीक्वेंसी में, बट मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं लॉन्ग फॉर्म में उतना ही रेगुलर रहूँ जितना मैं शॉर्ट्स डालती हूँ। चलो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज मैं बना रही हूँ प्रॉन्स, स्पेशल डे है। मैंने सोचा कि मम्मी आज मैं ही बनाऊंगी रात का डिनर। सुनकर लगा राधा, तो मैं क्या बना रही थी, हाँ मैं बना रही हूँ चिंगड़ी भापा। और बना रही हूँ थोड़ा सा प्रॉन मैंने अलग हटा लिया ताकि मैं थोड़ा सा तंदूरी बनाऊँ। यू नो हाउ मच आई लव प्रॉन तंदूरी। सो सबसे पहले हम जो तंदूरी बनाने का सोच रहे हैं उसका मैरिनेशन कर लेते हैं। पहले बीच में से स्लिट कर देते हैं तो फिर उसका जो वैसे बहुत अच्छे से फ्लैप जो खुल जाता है फ्लैप। एंड दिस इज कॉल्ड बागदा चिंगड़ी का छोटा वाला वर्जन है ये। बस इसको बीच में से काट लो। काला धागा मैंने पहले ही निकाल लिया था। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा पीरी पीरी। और ये वाला जो तंदूरी मैंने हमेशा ये दिख रही ना, तंदूरी मैंने हमेशा जो है वो दही से मैरिनेट करके डाला था, बट आज वाला जो है मैं दही वाला नहीं यूज कर रही हूँ, मैं सिर्फ इसे लेमन वाला तंदूरी बनाने वाली हूँ। ये वाला पोर्शन भी यूज कर सकते हैं कोर के। नाउ इतना ठंड में ना मेरा हाथ भी नहीं चल रहा, कभी कभी जम जाता है। नारियल जो है हम अपने भापा में यूज करेंगे और इसको थोड़ा कोल लेते हैं। मैंने अपने तंदूरी वाले मैरिनेशन में ना अदरक लहसुन डालना भूल गई। लहसुन बहुत कम दो, जितना भी आपका क्वांटिटी है फिश का चिकन का जो भी है, स्टार्टिंग में लहसुन का क्वांटिटी हमेशा कम जाता है। लेट मी ऐड दिस। दैट्स इट, अभी इसको रख देंगे। ये जो हम प्रॉन भापा बना रहे हैं ना वो चावल के साथ ही जाएगा, मतलब चावल जब हाफ बॉयल हो चुका होगा ना उसके अंदर एक टिफिन बॉक्स में जाएगा, तो इसलिए मैंने पहले चावल जो है चढ़ा लिया है। अभी हम इसका जो मैरिनेशन, हाँ काइंड ऑफ मैरिनेशन हम करेंगे, उसका मसाला हम चलो तैयार करते हैं।
सो अभी करते हैं हम जो प्रॉन भापा बनाएंगे ना उसका मैरिनेशन के लिए मसाले, तो ग्राइंड करना पड़ेगा। वैसे ये अगर आप ऑथेंटिक वे में बनाओ तो वो सिलबट्टा में बनता है, बट हमारा सिलबट्टा जब से हम कोलकाता आए हैं तब से वो पैक्ड ही है, बहुत हेवी है, हम नहीं निकाल रहे। जब तक मैं छोटा वाला सिलबट्टा नहीं खरीदती तो तब तक हम ग्राइंड करेंगे। वैसे ग्राइंड में अच्छा तो बनता है बट मैं बोलूंगी सिलबट्टे का टेस्ट ही कुछ अलग है। सो इसमें ध्यान रखिए सरसों बहुत ज्यादा मत दे देना, बहुत कड़वा हो जाएगा। अपने यू नो प्रॉन्स, जैसे मेरा प्रॉन्स कितना होगा 15-20 होगा, उसके हिसाब से मैं दे रही हूँ। दिस इज फाइन। ये गया मस्टर्ड सीड्स, नाउ दिस इज पॉपी सीड्स यानी कि खसखस, ये भी मैं 2 चम्मच दूंगी। ये थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, बट मस्टर्ड हो जाएगा तो प्रॉब्लम। अच्छा मुझे व्हाइट मस्टर्ड चाहिए माँ। इसमें थोड़ा सा मैं दूंगी, थोड़ा सा नमक दूंगी, ये सारा। अब मैं ना एकदम वो ऑथेंटिक वे में नहीं बना रही हूँ भापा, उस बहुत लोग उसमें नारियल यूज नहीं करते, बट ये माय वे है। बहुत सारा हरी मिर्च, क्योंकि मैंने नारियल यूज करा है तो मीठा भी बन सकता है इसलिए। नहीं है, नहीं है। चलो व्हाइट सरसों नहीं है हमारे पास, अगर व्हाइट मतलब येलो जो मस्टर्ड होता है अगर आपके पास है तो वो भी जरूर ऐड करना। एकदम थोड़ा सा पानी, बिल्कुल भी नहीं हुआ अभी तक, थोड़ा सा पानी चाहिए मांस के लिए। और ठंडा नहीं है क्योंकि हम नारियल यूज किए ना, तो थोड़ा ड्राई हो जा सकता है। खुशबू सो यम, पहले दिखा लेने दो। मिर्ची की वजह से इतना स्ट्रॉन्ग इसका ये हो गया है ना, ये देखो। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से, ये देखा। दिस इज फाइन। और एक राउंड चला बस पानी का यूज करें, नमक और आप टेस्ट नहीं कर सकते हो तो उस हिसाब से ही डालना। मैंने उसमें बहुत थोड़ा सा यूज करा था, हल्दी ऑप्शनल है डालने से डालो, मैं एक चिमटी डालूंगी जस्ट बिकॉज उसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है। अब इसमें ना ये सारा पेस्ट जाएगा, नाउ इसमें से मैं थोड़ा सा इस बार गोंदोरा लेबू भी यूज करूंगी। मुझे पता है ये झाल से मेरा हाथ जल सकता है बट इसका मैरिनेशन ऐसे ही अच्छा बनेगा। शिट, मैंने ना फिश में बीच में से कट नहीं लगाया था, वो लगाने से और अच्छा होता, बट ठीक है। मैं मस्टर्ड ऑयल और फिर सीधा टिफिन बॉक्स में जाएगा, बस बस अभी के लिए इतना ठीक है। ओह लुक एट दिस कलर, और इसका पूरा फ्लेवर ना मस्टर्ड का ही है। आओ तो ऊपर से दे आएंगे अभी मैं, रुको 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 डाल ले तो तू सारा इसके अंदर। अगर मेरे पास केला पत्ता होता ना तो मैं और एक डिश बनाती, बट नहीं है। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा ऑयल भी। ये वाला ना वो वाला टिफिन बॉक्स नहीं है जिसमें हम बनाते हैं, वो हमें मिल नहीं रहा जब से हम शिफ्ट किए हैं, हम पहली बार ढाबा बना रहे हैं तो वो टिफिन बॉक्स ही नहीं मिल रहा। आई डोंट नो इसमें कैसा बनेगा, थोड़ा बड़ा चाहिए होता है हमेशा। अभी ये राइस हमारा चढ़ चुका है, वो जब हाफ डन हो जाएगा ना तब उसके बाद जाएगा। वो राइस चढ़ाना है ना माँ, सो जब तक ये राइस बनेगा ना तब तक हमारा प्रॉन जो है वो अच्छे से मैरिनेट हो गया होगा। ये टिफिन बॉक्स हमारा नॉर्मल इंडियन टिफिन बॉक्स की तरह, ये मेरे बचपन का है क्या माँ?
अब मैं किचन के प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ी हो गई हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखा सकूं। मम्मी डाल दो, डालो डालो। ये क्या इसके अंदर? अब जो राइस है ना हमारा हाफ डन है, अब और हाफ में ये भी पकेगा और इसे मैं अभी बिल्कुल नहीं निकालूंगी। हाँ मम्मी ढाक दो। अब मम्मा इसका पानी निकाल रही है राइस का, और उसके बाद हम टिफिन बॉक्स इसी के अंदर है, बस टिफिन बॉक्स में निकल आए। लुक एट द टेक्निक, ये निंजा टेक्निक से मम्मी कर सकती हैं। तो जब तक हमारा भापा बनता है तब तक हम धनिया पत्ते का पकौड़े बना लेते हैं, क्योंकि मेरे पापा को बहुत पसंद है। तो मम्मा ने कहा धनिया पत्ते का पकौड़ा एक तो पापा का फेवरेट भी बन ही सकता है। उनको बेचारे को हम कोई तेल वाला चीज नहीं देते हैं, तो कुछ भी नहीं खा पाते हम जो बनाते। अगर आपको एकदम कुरकुरे से पसंद है तो इसमें जाएगा नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा सोडा ताकि ये क्रंच लाए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम अपने पकोड़े में हमेशा कलौंजी का यूज करते हैं। इफ यू हैव नेवर यूज्ड इट, डू यूज, आपको पता चलेगा मैं क्यों करती हूँ। ये मैंने अपने मम्मा से ही सीखा है। अच्छे से पहले मिक्स करते हैं। अब इसमें हम डालेंगे पानी और हम अपना बैटर जो है हाफ से ही मिलाते हैं, इसमें कोई लम्स ना रहे। अच्छे से डिप करेंगे। अच्छा बना ना, लेट मी ऑल्सो ट्राई। बहुत अच्छा बना। इसका जो बैटर है ना, ये मैंने बहुत ही थिन रखा है, बहुत ही थिन रखा है। यू कैन एक्चुअली सी द ग्रीन लीफ। मुझे वैसे ही अच्छा लगता है, मुझे एकदम भी उसका ऊपर वाला लेयर जो मोटा एकदम बेसन का पड़ता है एकदम, मेरे घर में कोई भी नहीं खाता वैसे। थोड़ा सा बटर, ओह इसमें जो कितना अच्छा खुशबू आ रहा है लेमन का, गंधराज का, गंधराज का। एकदम सॉसी है अभी भी। थोड़ा टाइम तो जरूर लगता है बट मजा आता खाने में। नहीं और कुछ तो आ रही सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वेरी डिलीशियस स्टार्टर। मैंने इसमें क्या क्या लाया, इसमें थोड़ा सा फिर से मिलाएंगे नींबू। ओह क्या सॉफ्ट है, क्योंकि मैंने फ्राई ही नहीं किया इतना ज़्यादा, और उसके बाद सीधा मैंने उसको जो है आग में डाला था। ओह ओह वाव, सो सॉफ्ट।
तू भी लगा के आई है। दारुन दारुन गिरा दी। प्याज तो चाहिए माँ ना, आप दूध ना हो माँ, मैं तो भापा खाऊंगी। वेरी नाइस। अभी जल्दी से चलते हैं और खोलते हैं हम वो वाला टिफिन बॉक्स। नाउ द फाइनल थिंग, हमारा डब्बा खुलेगा अब टिफिन बॉक्स। बहुत गर्म है, अभी पूरा बन चुका होगा है ना माँ? हाँ पूरा बन गया। ये टिफिन बॉक्स थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है ना, इसीलिए इसको और ज्यादा प्रॉब्लम होता है। मैं ट्राई करूं? एंड इट्स डन। Now let me try this. आज मैं अपना डिनर करने के लिए बहुत अर्ली बैठ गई हूँ। ये देखो कितना सॉफ्ट है फिश। देखो मस्टर्ड हमने बहुत माइंडफुली यूज करा था इसलिए ये कड़वा नहीं हुआ, तो मस्टर्ड थोड़ा कड़वा हो जाता है तो वो देख लेना। बहुत झाल बना है। मैं भी मिर्ची लेके आई थी, बिल्कुल चाहिए नहीं। टू स्पाइसी, मस्टर्ड का एकदम स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, मुंह में जाते ना ऐसे ब्लास्ट ऑफ मस्टर्ड हो जाएगा ऐसा लगेगा आपको। बट इफ यू आर मस्टर्ड लवर यू विल लव इट। अगर आपको लग रहा होगा कि उतने टाइम में ये अच्छे से बॉईल होगा या नहीं, बहुत अच्छे से बॉईल होगा। इसमें ना ये राइस का एक अच्छा खुशबू है, एक स्टीम है राइस का। वो पता है अगर चूल्हा में बनाओगे ना, जैसे मेरी नानी बनाती थी, वो खाने में और ही यम लगता है। एंड दिस प्रॉन्स विल मेल्ट इन योर माउथ। माय डिनर इज डन। So with this, I'm gonna end my video right here. I hope you like this cookbook. And if you do, आपको like, share, subscribe करते हुए जाना। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से next किसी video पे। Till then, happy eating, happy cooking, happy doing whatever you do in your world.